आज माँ गौरी की पूजा की जाती है। आज के दिन माँ दुर्गा संसार रूपी कुटुंब के उपकार करने से महा गौरी हो जाती है। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हम माँ अम्बे से करते हैं। चलते हैं माँ अम्बे की ओर। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रस्तुत है भोर भय। नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रस्तुत है आई गिरी नंदिनी। आई गिरी नंदिनी नंदितमेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति केशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर पोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनि रोषिणि दिदिसुत रोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते और आइए अब हम चलते हैं कान्हा की ओर। जो नटखट वो सबसे प्यारा है वो कृष्णा है, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला है वो कृष्णा है। प्रस्तुत है कृष्ण जी पर आधारित कृष्ण लीला। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे
रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, बांसुरी रचाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। खेल खेल में जीतेगा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। मोहन गोपाला कान्हा और घनश्याम रे, नारायण हरि बोल मुकुंदा संगताओ बलराम रे। खेल खेल में चूर करेगा झूठा हर अभिमान रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है, गोकुल को प्रीति की धुन पे नचाता है। दंभियों घमंडियों को सबक वो सिखाता है, पापियों को दानवों को धूल में मिलाता है। चोर है चित चोर है वो माखन चुराता है, उंगली पे अपनी गोवर्धन उठाता है। को लुभाने वाली प्रस्तुति बच्चों ने पेश करी है, आइए देखते हैं कैसे ये प्यारे प्यारे बच्चे कान्हा का श्रृंगार कर रहे हैं। प्रस्तुत है कान्हा का श्रृंगार। छवि श्याम सुंदर ऐसा मोहक रसाल, ऐसा मोहक रसाल भरत। छवि श्याम सुंदर भरत, छवि श्याम सुंदर सत अंग तब सन सन भंग कुटी जर माल, भंग कुटी जर माल। शीश मुकुट कर कंसी, शीश मुकुट कर कंसी, के पावन मंच से श्री हरि के 10 अवतार यानी कि मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वरह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुध अवतार, कल्कि अवतार, प्रस्तुत है 10 अवतार। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, आइए देखते हैं। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि। ये ब्रह्मांड में कौन सा मंत्र गूंज रहा है और कौन सी देवी इसका जाप कर रही है? इस रहस्य को तो पृथ्वी पर हनुमान जी ही खोल सकते हैं।
चलिए हनुमान जी के पास चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हम क्या देख रहे हैं? हे देवतागण, आप पृथ्वीलोक पर? हे पवनपुत्र, हम तो इस ब्रह्मांड में गूंजने वाले मंत्र का रहस्य जानने आए थे, परंतु आश्चर्य, आप तो स्वयं ही इस मंत्र में मग्न हैं, और इसे जप कौन रहा है? हे देवगण, इसमें आश्चर्य कैसा? मेरे प्रभु श्री राम मुझे कलयुग में जिस कार्य के लिए छोड़कर गए थे, वही कार्य तो मैं कर रहा हूँ। ये मंत्र मेरे प्रभु के कल्कि रूप का है, वही मेरे राम है, वही मेरे कल्कि हैं, और ब्रह्मांड जिससे गूंज रहा है वो माँ वैष्णवी की पुकार है। माँ वैष्णवी और श्री राम का कल्कि रूप, अर्थात प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में माँ वैष्णवी को वचन दिया था कि कलयुग के संहार के लिए उन्हें अपनी संहारिणी शक्ति के रूप में वरण करेंगे, तभी से माँ इस मंत्र का जाप कर रही हैं, और यही मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रहा है। हे हनुमान जी, युगों युगों की तपस्याओं के बाद भी प्रभु श्री राम अवतरित क्यों नहीं हुए? क्या कलयुग के पूर्ण होने में बहुत समय है? हे देवगण, जब कलि का प्रहार और भक्तों की पुकार अपने चरम पर होंगी, माँ वैष्णो की तपस्या पूर्ण होगी, तब मेरे नारायण प्रभु श्री राम समय के बंधन को तोड़कर कल्कि रूप में पृथ्वी का भार उतारने, गौ विप्र धर्म की रक्षा करने अवश्य आएंगे। भक्तों की पुकार ही मेरे प्रभु की परम शक्ति है। अर्थात जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब श्री हरि अपने अनेक अवतारों में प्रकट हुए हैं। Da 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 da
महाविष्णु के 9 अवतारों के तेज को देखा। इसी प्रकार भगवान विष्णु अपने समस्त रूपों के तेज को लेकर 64 कला संपूर्ण कल्कि रूप में हमारी रक्षा करने हेतु कलयुग का संहार जय बोल संभल की सरकार की जय जय श्री राम। अब आज मियां एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम। श्री रामला कमेटी इंद्रप्रस्थ आज अष्टमी के दिन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। इतनी नयनाभिराम रामलीला का मंचन यहां प्रत्येक दिन आपके लिए प्रस्तुत करती है और सुमन आर्ट एंड कल्चर ग्रुप की ओर से आयोजित बहुत ही सुंदर रामलीला आप तक पहुंचती है। मित्रों आज की रामलीला में रावण द्वारा विभीषण को देश निकाला देना, श्री राम विभीषण के मित्रता, नल नील द्वारा सेतु का बंधन, क्योंकि नल नील को यह आशीर्वाद प्राप्त था ये कि वो जो पत्थर डालेंगे वो जल में तैरेगा डूबेगा नहीं। भगवान राम द्वारा रामेश्वरम की स्थापना और उस मौके पर बहुत ही एक सुंदर भव्य भगवान शिव भोले की आरती, उनकी आराधना यहां पर प्रस्तुत की जाएगी। रावण अंगद संवाद, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, लक्ष्मण मूर्छा और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा तक की लीला यहां पर दिखाई जाएगी। तो लीजिए प्रस्तुत है आज की लीला का मंचन जय श्री राम। के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित
राम के चरणों में पुष्पांजलि, सुमन राम के चरणों में पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। कहूं भी हसीता ही उर लाई चले सभा ममता बेकार, बैठे सभा खबरी सिपाही सिंधु पार सेना सब आई। अरे मेरे वीरों बोलो क्या राय तुम्हारी है, बैरी सागर के उस पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। महाराज दो छोकरे हैं छोटे छोटे, कुछ भालू हैं कुछ बंदर हैं, ये तो निश्चरों का भोजन है, सो उसमें और उपाय ही क्या। अवसर जानी विभीषण आवा, दाता चरण शीस तिन्हावा, तुम सिरुनाई बैठ निज आसन, भोला वचन पाई अनुशासन, भोला वचन अनुशासन। वो देखे कि झूठ कहते हो, गैरों को खुश करने के लिए भगवान उन्हें गौ कर दे, वो जीते हैं मरने के लिए। भैया तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो महाराजा हो, वो बात ही तुमको सजती है जो नीति धर्म मर्यादा हो। अफसोस अफसोस जबरदस्ती करके तुम काल से जाकर जूझते हो, पहले तो आग में कूद पड़े अब राय सभा से पूछते हो। महाराज रघुनंदन से कर लो सुलह, यह मेरी राय है, दसकंदर जल से ही मिट जाएगी घर, सीता को कर दो राम के अर्पण। बस बस खामोश से विभीषण, तू मेरे नाम की इज्जत को क्या दाग लगाना चाहता है, इस लंकेश की आन को मिट्टी में मिलाना चाहता है, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं, दुश्मन के आगे सिर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, है कुलद्रोही कायर कुबुद्धि, ओझल हो जा मेरी आंखों से, उनको
ही नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। रचा हुआ बैरी का भ्राता आता है, कुछ भेद है इसमें छिपा हुआ। मेरा विचार तो ऐसा है, सब मजा चखा दूं इसको मैं, जंजीरों में बंधवा करके बस कैद करा दूं इसको मैं। जो निर्मल है और निश्चल है, बस वो ही मुझको पाता है। चालाक धूर्त छली तब मेरे सम्मुख आता है, कर शरण वो मेरी आया है तो प्राणों की नाई रखूंगा मैं। कुछ इसमें शक संदेह नहीं, लक्ष्मण से ज्यादा समझूंगा मैं।
दशानन करवे धाता निशिचर वंश जन्म सुरत्राता अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष कहिए लंकेश कुशल से तो हो हे प्रभु निश्चर कुल में पैदा होकर मैं आज तलक धर्म आया हूं रघुनंदन मेरी बाह पकड़ो मैं शरण तुम्हारी आया हूं हे भाई सुग्रीव जी आज से हम लंका का राज्य विभीषण जी को सौंपते हैं विभीषण महाराज की ए मेरे भाई ये तो कहो अब हमको क्या करना होगा इस लंकापति दशकंधर से किस किस ढंग से लड़ना होगा बीच में अपने और उसके बह रहा समुंदर दोसे पर समुद्र पार करने के लिए किस तरह हमें पुल बांधना होगा हे प्रभु बेशुमार आपका लश्कर है क्या मुश्किल सेतु बांधना है करपार समुद्र भारी को जल्दी लंका पर चढ़ना है पर ख्याल जरा सा होता पुल बंधवाने में समुद्र के ये प्रभु पूज्य है रघुकुल का सो मांगो राह विनय करके कहीं प्रभु अनुजही समझाई सिंधु समीप गए मधुराई प्रथम प्रणाम सिंह सिरुनाई बैठे तुम तट दम्ब दसाई तब है दिन सोए न प्रीति है दिन होती न प्रीति इस कारण बाण चलाना है फिर बाण कौन सा अग्नि बाण पानी में आग लगाना है
त्रहि महान प्रभु त्रहि महान नाथ रक्षा करिए नाथ, तुम कृपा सिंधु हो, दानी हो महाराज। नाथ नल नील दो वरदानी है, ये जल्द सेतु को बनाएंगे, कारण इनके हाथों के छुए पत्थर जल में तैराएंगे। कार्य आरंभ करो और सेतु को तैयार करो। जो आगे राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम 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 का सुमिरन करते जाना राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 का सुमिरन करते जाना भैया जल्दी पत्थर लाना देखो पीछे ना रह जाना जग में राम का नाम महान करे सबका कल्याण राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 नाम की बोलो जय जयकार राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार भैया जल्दी पत्थर लाना देखो पीछे ना रह जाना भैया जल्दी पत्थर लाना देखो पीछे ना रह जाना जग में राम का नाम महान सब सबका कल्याण राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार राम राम जय जय राम राम जय जय राम बोलो राम जय राम श्री राम जय जय राम
राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय 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 राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम 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 नाम का सुमिरन करके गाना हमको सेतु है बनाना हमको सेतु है बनाना रावण को है मार गिराना सेना को है पार लगाना जग में राम का नाम महान करे सबका कल्याण जग में राम का नाम महान सकल जहां राम 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 की बोलो जय जयकार राम 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 की बोलो जय जयकार बैठ के भी दे सकते हैं जय पारस टीवी पे डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है इसका आइए बीच में हाँ सुमन गुप्ता जी जो डायरेक्टर हैं वो भी अगर मौका लगे तो जरा ऊपर तशरीफ ले आए मेरे पास मैं बाद में कराता हूँ आज के हमारे स्वागताध्यक्ष नीरज जी से निवेदन करूँगा वो अंग वस्त्र भेंट करके अभिनंदन करें मैं निवेदन करूँगा अपने चेयरमैन दिलीप बिंदल जी से वो भी एक अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें मैं निवेदन करूंगा रजत रसोगी से वो आए मैं निवेदन करूंगा नितिन गर्ग से वो एक प्रसाद दें आज का वैश्य कुल श्रोमणि हमारे मित्र विजय भाई से निवेदन करूंगा वो आशीर्वाद के दो शब्द हमें कहें मैं पूरी दिल्ली के अंदर हर रोज बहुत सी रामलीलाओं में जाता हूं मैं बधाई देना चाहता हूं सुरेश बिंदल जी को दिनेश जी को दलीप बिंदल जी को प्रमोद जी को और हमारे यहां पे हमारे साथ आई हिमांशी पांडे जी अपर्णा जी और रस्तोगी जी और सभी लोगों को कि इतनी सुंदर मैंने रामलीला आज तक नहीं देखी जोरदार इनके लिए तालियां हो जाएंगे मैंने खुद डायरेक्टर को बुलाया और उनको बधाई दी इस बात के लिए पात्रों का अभिनय पात्रों की वेशभूषा संगीत संगीत की धुने सब इतना अच्छा लगा मुझे कि मुझे लगा कि बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी लीला देखी है लाल किले की रामलीलाओं का नाम बहुत है किंतु मैं कहूंगा कि आईपी एक्सटेंशन की रामलीला पूरी टक्कर देती है उनको जाके पूरी टक्कर देती है मेरे को लीला आपकी बहुत अच्छी लगी और मैं आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूं। एक बार इतनी बड़ी लोग बड़े संख्या में आए हैं, जोर से बोलिए प्रभु रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। एक सूचना आपके लिए निवेदन कर दूं, रामनवमी उत्सव पर इस बार दो दिन उनके जीवन में प्रथम बार नरेंद्र कोहली जी ने इस रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 3-3 घंटे का प्रवचन दिया, कथा की, और हमने ये सब चीजें कही हैं। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेतु बनकर तैयार हो गया है, अब आप लंका पर चढ़ाई की तैयारी करें। जो काम नहीं हो सकता है राजाओं से भी वर्षों में, शाबाश करम वीरों, तुमने वो कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा, अब मेरी इच्छा है स्थापना हो गए शिवलिंग की, लंका पर चढ़ने से पहले आराधना हो गए शंकर की। रण के देवता त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे, मृत्युंजय की आराधना कर हम दुश्मन पर विजय पाएंगे। परम रम्य सुंदर यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं वरणी, करी हो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना।
हरी पूजा शिव समान प्रिय मोहिना तूजा शिव तो ही मम दास कहावे सोनर सपने हूँ मोहिना पावे शंकर जय गंगाधर करुणारत करतार हरे जय शुभ शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी सुखलाशी सुखसार हरे जय शनि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे जय त्रिपुरारी जय मतहारी अमित अनंत अपार हरे निर्गुण जय जय सगुण जनाम निराकार साकार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे ओ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नाथ केदार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे त्रियंबकेश्वर जय भुवनेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अधार हरे नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अधिकार हरे पार्वती पति हर हर शंभ पाहि पाहि दातार हरे महेश जय आदिदेव महादेव विभो इसे है गुणाती तब तप अपार गुण वर्णन हो जय धवकारक तारक हार पालक तारक शिव शंभो तीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर दया करे तीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर दया करे पार लगा दो भव सागर से मन कर करणाधार हरे पार्वती पर हर हर शंभ राहि राहि दातार हरे पाहि पाहि दातार हरे ओ नमः शिवाय ओ नमः शिव शंभो विपद विदारण अलम
शंभो सहज बदन हर जलक नयन भर फैल वरण तन शिव शंभो कदम कदम कर ताप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो विभूषण विश्व रूप प्रलयन जग के मूलाधार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे सहित उतरे रघुवीरा कहीं न जाए कछु यूत धीरा सिंधु पार प्रभु तेरा कीन्हा सकल कपिन आय सुदीन्हा सकल कपिन आय सुदीन्हा Thank you.
हे भाई, अब ये बतलाओ तुम सबने क्या ठहराया है। देखो उस राजा रावण ने क्या अद्भुत चक्र चलाया है। यहां बीत चुके हैं कई दिवस, वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद हैं क्यों, कुछ भेद भी इसका पाया है। हे प्रभु, ये मत समझो कि रावण डर गया है। वह अपने मंत्रियों सेनापतियों से सलाह कर रहा होगा। राजनीति यही कहती है प्रभु कि दुश्मन को कुछ सोचने का मौका देना चाहिए। फिर भी मेरी ये राय है निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का सारा ही भेद लगाए। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार बस तुम्ही तकलीफ उठाओ जाने की। प्रभु, रावण अवश्य यह समझेगा कि सारा आधार हनुमान पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूं मैं, इसमें है नीतिमान भी। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार है और बलवान भी। युवराज, हमारी बात सुनो। रावण को सब समझा आना, क्या और तुम्हें समझाएं हम। सब भांति समर्थ हो तुम। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सब ही प्रताप उर सहज असंका, रन पाकुरा बाली सुत बंका। जय सियाराम, जय सियाराम। हमारी पूर्वी दिल्ली की आन बान और शान, हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर ए के वालिया जी जो हमारे बीच में से हैं, उनसे निवेदन है, आइए आइए, कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। और हमारे बड़े भाई दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास जी, हर दुख सुख के हमारे साथी, उनसे भी करबद्ध निवेदन की कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर परवेज से, स्थान ग्रहण करें उधर। मैं निवेदन करूंगा दिलीप बिंदल जी से, वो सबके स्वागत में दो शब्द कहें। जय श्री राम। आवाज जरा कमजोर आज। जय श्री राम। इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी, हमारे वालिया साहब का, रामनाथ गोयल जी का बहुत बहुत आभारी है। आपने यहाँ आके हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे को कृत्य करा यहाँ आके। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे रामलीला पिछले 28 सालों से मंचन करती आ रही है। हम निर्विरोध रामलीला चालू रखते हैं, रामलीला में कोई भी रुकावट नहीं करते, जैसे कि आप सब जानते हैं। और
ये सीधा टीवी टाटा स्काई पे डैन पे पूरी दिल्ली में जा रही है। इस साल हमने सफाई का विशेष ध्यान रखा है, पूरा ग्राउंड को कारपेट से लगाया है और बच्चों को अपनी संस्कृति देने के लिए, रामायण की संस्कृति देने के लिए 1000 बच्चे में लिखित परीक्षा की थी जिसमें कि 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम चूज करेंगे। तो दशहरे पे प्रोग्राम, भरत मिलाप पे प्रोग्राम है, तो उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे रिश्ते को कैसे निभाया जाए, बाप बेटे के रिश्ते को कैसे निभाया जाए, भाई भाई के रिश्ते को कैसे निभाया जाए, पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभता है, सास बहू का रिश्ता कैसे निभता है। और इन सभी के साथ हम शिक्षा का भी यहाँ पे मेन वो करते हैं बच्चों को। और आगे की माइक सुरेश बिंदल जी को। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के शाखा अध्यक्ष उद्योगपति नीरज जी से, वो एक अंगवस्त्र भेंट करके रामनिवास जी का अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा किसके नाम से जवान खराब करता है। हाँ सबको भाई प्रदीप पुष्प जी को वो आए, मैं प्रदीप पुष्प जी का परिचय करा दूं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित हमारे गायक है, वतन गायक, देश के कोने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये निःशुल्क सेवा देते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी से वो एक पौधा भेंट करें। युवराज देश किस किंधा का सुत पाली वान लड़का हूँ। मैं निवेदन करूंगा विपिन शर्मा से वो आए और प्रसाद भेंट करें। मित्र आप इस काम मिलने आया हूँ। मैं निवेदन करूंगा नीरज जी से एक बार पुनः वो डॉक्टर ए के वालिया सर, अब तो वो शिक्षाविद हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं और हमारे क्षेत्र के निवासी भी हैं, उनका अभिनंदन करें। बाली का बालक है क्या तू ही बास। मैं निवेदन करूंगा मुकेश कौशिक से वो एक समृद्धि चिन्ह भेंट करें। यदि तेरा गर्व नष्ट होता। मैं निवेदन करूंगा सत्येंद्र अग्रवाल जी से वो एक प्रसाद भेंट करें। कहानी में आती है तुझको लाज नहीं। मैं निवेदन करूंगा रमेश जी से वो आए और एक पौधा भेंट करें। अफसोस तू उसका दास हुआ। मैं निवेदन करूंगा राजू भाई से, राजीव जी तो प्रवेश जी का जो अमन कमेटी के एक्स चेयरमैन है, उनका अभिनंदन करें। अभी तू मुझसे मिल जाए। मैं निवेदन करूंगा कौशल जी से वो आए और एक समृद्धि चिन्ह भेंट करें। कल से तू सेनापति हो जाए। मैं निवेदन करूंगा दीपक वर्मा जी से वो उनको एक प्रसाद भेंट करें। मैं बनूं हमारे सेनापति मध्य में एक हस्ती और आ गई है और ये वीरता कहां, जो व्यापारी नेता है अनुज अत्रे। आइए तो मैं निवेदन करूंगा दो चार नहीं मल्होत्रा साहब से वो एक अंगवस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा राजकुमार जी से विभीषण ही हाँ यही यही कर दो यही कर दो यही कर आ सकता है सेनापति क्या तो समृद्धि चिन्ह भेंट करें। तो और मैं प्रदीप जारी वाले जैसे निवेदन करूंगा तो उनको प्रसाद भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा इस मौके पे डॉक्टर वालिया हमको आशीर्वाद के दो शब्द हैं। दिलीप बिंदल जी, सुरेश बिंदल जी, जेपी अग्रवाल जी, राजू जी, अनुज अत्रे जी, बहुत से साथी हैं, माफी चाहूंगा कौशिक जी। सबसे पहले तो मैं रामलीला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सबसे बड़ी रामलीला आईपी एक्सटेंशन में होती है, जो कि पुरानी दिल्ली की रामलीला से किसी तरीके से किसी प्रकार से कम नहीं है और इसके लिए वो वाकई में मुबारक के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से भगवान राम का गुणगान करते रहेंगे और जो बुराई पे अच्छाई की विजय, असत्य पे सत्य की विजय,
ये सब हम लोग इसी तरीके से मनाते रहेंगे और हमारे बच्चे भी जो हैं राम जो हम ये रामलीला बनाते हैं दशहरा बनाते हैं इससे सीखेंगे कि कैसे भाई भाई का प्यार था कैसे पति पत्नी का प्यार था और कैसे पिता का वचन निभाने के लिए भगवान राम जो है 14 साल के लिए वनवास गए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने भाई और जब भी हमें कहीं कोई कठिनाई होती है तो हमारी तो कहते ना मियाँ की दौड़ मस्जिद तक और हमारी रामलीला जी तक दौड़ती है और हम जब भी गए हैं इनके यहाँ से प्रसाद लेके आए हैं कोई भी काम हमारा ऐसा नहीं हुआ जो हमने कहा हो और वो कानून सम्मत हो तो रामलीला जी ने जरूर करके लिया है। आज हमारी बड़ी कृपा है ये आज हमारे बीच में समय निकाल के आए वरना तो ये कहते दशहरे को आऊंगा मैं और मुख्यमंत्री जी आएंगे उनके साथ आ जाऊंगा तो मैंने कहा नहीं भाई साहब उस दिन आओगे वो हमारे सिम आते थे पर एक दिन विशेष रूप से आपको आना है आपका आशीर्वाद हमें लेना है। मैं रामलीला जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दें। और ना दूजा है इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भाई दिलीप जी स्वागत अध्यक्ष नीरज जी मेरे मित्र भी दिल्ली में मंत्री रहे मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र पार्टी अलग हो सकती है अलग बात है उनको मालूम और ये बात आप भी जानते हैं। डॉक्टर वालिया जी जो गरजते हैं भाई प्रवेश जी वो बरसते नहीं प्रमोद अग्रवाल जी सुरेश बिंदल जी तायल जी जयप्रकाश जी कौशिक जी प्रमोद जी हमें चलिए अब आगे नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सुरेश जी ने कहा कि दशहरे वाले दिन आऊंगा मैं दो बार इस रामलीला में आता हूँ एक अलग से आता हूँ और एक मुख्यमंत्री जी के साथ आता हूँ तो दो बार मेरा आगमन होता है। सुरेश जी सबको जोड़ के चल रहे हैं भगवान का मंचन है सब हम देख रहे हैं लेकिन एक बात मैं बैठे में सोच रहा था इतने वर्षों से ये इंद्रप्रस्थ रामलीला दिल्ली की नंबर वन रामलीला में हो गई उसके पीछे इस टीम का बहुत बड़ा हाथ मैंने आज ही प्रमोद जी एक छोटी सी नाटिका देखी उस नाटिका को सुरेश जी को समर्पित कर रहा जंगल के सब जानवर इकट्ठे हुए दौड़ रखी गई वो कहानी हमने सुनी है खरगोश और कछुए की दौड़ तय हुई अब कहां खरगोश कहां कछुआ खरगोश आगे दौड़ गया सो गया पूरी कहानी हमने सुनी है कछुआ जीत गया वापस आ गया अब वहां शेर से जो राजा था जंगल का खरगोश ने प्रार्थना करी मैं जंगल में सो गया था रास्ते में मेरे से गलती हो गई दौड़ दोबारा करवाई जाए दो बार विनती की तीन बार आखिरकार मान गए दोनों की दौड़ दोबारा शुरू हुई दौड़ पूरी करके जब उस स्थान पर आए तो कछुआ खरगोश की पीठ पर था बिल्कुल बदल गया उस कहानी का असर। तो सुरेश जी हम सब कछुए हैं हम सबको अपनी पीठ पर लेकर चल रहे हैं और इस रामलीला को जोड़ के रखा हुआ किसी को आगे नहीं भागने देते किसी को सोना नहीं देते किसी को पीछे नहीं रहने देते कछुए की चाल को चलने वाले को अपनी पीठ पे लिया हुआ है सबको जोड़कर चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ अपनी ओर से दिल्ली विधानसभा की ओर से मुझे मान सम्मान दिया बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की जय एक बार जयकारा बोल लें बोले श्रीमती राम चंद्र भगवान। ए मेरे वीर सैनिकों देखते क्या हो उठो और इसका पांव पकड़कर जमीन पर दे डालो
मैं भी तो देखूं कितना बल है ये, ये। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी
नहीं तरोगे तुम महाराज, नहीं तो दुनिया में बे आई मौत मरोगे तुम। इसलिए छोड़कर राज लोग आनंद धाम में आरावण, सच्चा आराम यदि चाहते हो तो राम राम में आरावण। Thank you.
महान मेघनाथ को योद्धा फिर ही परस्पर कर अति क्रोधा कहीं एक सकई नहीं जीती किसी चर तल बल चरई अनीति कहीं एक सकई नहीं जीती किसी चर छल बल करई अनीति ये युद्ध स्थल है वीरों का बच्चों का खिलवाड़ नहीं थारे हैं यहां कृपाणों की मिष्ठानों का बाजार नहीं ये सुप्रखा की नाक नहीं पीछाना बाली वानर का ये नहीं शिकार है श्रवण का ये है रक्त लंकेश्वर का दाढ़ी का हनन करने वाला अभिमान चूर हो जाएगा कर दूषण के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी असुरों के तपते खूनों से बिलखोल नहाएगी पृथ्वी लखन लाल के वचन सुने हुआ इंद्रजीत लाल आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल Show.
करते हैं। Thank you.
सियारा। वीर घात नहीं छाण सी लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। छान सी साकी, तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गया निकट भय त्याग। अब चली गई निकट भय त्याग। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लगी है किस जगह बच्ची? बता लक्ष्मण, बता लक्ष्मण, रुलाना है रुला लेना, मगर यू ना रुला लक्ष्मण। कहूंगा क्या मैं अब माता कौशल्या से अवध जाकर? कहेंगे लोग भाई की बलि ली सीता के लिए, लगी है किस जगह बच्ची? बता लक्ष्मण, बता लक्ष्मण। हे राम, धीरज धारण करिए, लंका में याद मुझे आता है एक वैद्य सुषेण नाम का है, वह इसकी औषधि जानता है, सज्जन है, ज्ञानी है, कृपया उसे बुलवाओ तुम। हे हनुमान जी, आप जाएं और तुरंत सुषेण वैद्य को लेकर आए। जो आज्ञा प्रभु। यस सियाराम। गयौ हनुमंता आनेउ भवन समेत तुरंता।
सूरज उगने से पहले ही मिले दवा तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। विष ने निर्जीव किया तन है, अत्यंत दूर है औषध भी, आसक्ति नहीं बात ही में। ऐसा है कौन यहां योद्धा जो लाए इसे रात ही में। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुषे, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतले। आकाश में हो पाताल में हो, पर्वत में हो सागर में हो, लाएंगे दास उसे चाहे वह ब्रह्मा के भी घर में हो। बतलाओ उसका रंग रूप जिस जगह हाथ वो आएगी, रघुराई सहाय रहे तो वह दिन के पहले मिल जाएगी। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओ औषध वो, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषध वो, संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला सी उसमें जलती है। यदि नहीं सुबह तक आई वो तो समझो लक्ष्मण के प्राण निकलते हैं। राम राम चरण सरसिज उरि राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाती। लग रही है, कुछ थकान भी होने लगी है। सामने किसी मुनि का सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ देर को वहीं चलूं और मुनि से पूछकर जल पीऊं।
मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो मुनिवर। आजकल राम रावण का संग्राम हो रहा है, इसका क्या परिणाम निकलेगा? हाँ पुत्र, ये संग्राम मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से साक्षात देख रहा हूं। इस युद्ध में निसंदेह राम की जीत और रावण का संहार होगा। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। हे ऋषिराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, यदि कुछ जल हो तो मैं अपनी तृष्णा बुझा लूं। हे वीर बजरंगी, तुम सामने सरोवर पर चले जाओ और अच्छी तरह अपनी प्यास बुझाओ, परंतु लौटकर मेरे पास आना और गुरु मंत्र लेकर जाना। जो आज्ञा मुनिवर। बैठो, अब मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं। नहीं महाराज नहीं, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर उपदेश देना। शवन लगीता। ये आकाश भाग में कौन जा रहा है? पर्वत उठाए लिए जा रहा है, अवश्य यह कोई अधर्मी है। मैं अभी एक ही बाण से इसे नीचे गिराता हूं और अपना संदेह मिटाता हूं। हे
का भक्त, मुझसे बड़ी भूल हुई। हे विधाता, क्या मैं सारे जीवन राम से बैर ही करता रहूंगा? क्या मैं प्रभु के कभी कुछ काम नहीं आ सकूंगा? यदि राम का हूं मैं सच्चा दास, यदि मेरे हृदय में पूर्ण विश्वास है, यदि मेरे हृदय में पूर्ण विश्वास है, तो तुम जागो, जागो, जागो वीर, लेकर उनका नाम कहो वीर, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। जय सियाराम। सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन कानों के द्वारा, प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नैनों के द्वारा। मैं बड़भागी हूं आन पड़ा, उनके ही प्रिय पावन पग में। हे भाई, मुझे कुछ समाचार सुनाओ, तुम यहां कैसे आए? कुछ ना पूछो महाराज, इस समय प्रभु रामचंद्र जी पर महान संकट आया है। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से मारा है। क्या कहा? शक्ति बाण? मैं उनके लिए संजीवनी लेकर लंका नगरी जा रहा हूं। यदि सूर्योदय से पहले ये औषध लेकर मैं लंका तक ना पहुंचा, तो लक्ष्मण के प्राण संकट में होंगे। नहीं, 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 नहीं। बड़भागी है लक्ष्मण, जो लिपटा उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक दिया, अब मरना उन चरणों में है। है भरत अभागा, जो अब तक भाई के काम न आया है, कोने सोने में ही इसने अपना सब जन्म गवाया है। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, मंजिल है दूर, देह जख्मी, आसान राह पकड़ना है। चढ़ जाओ मेरे बाण पर, मैं दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, रात ही रात में राम कृपा से पर्वत सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। आशीर्वाद दो प्रभु, जय का बाण समान ये हनुमान, श्री राम की कृपा से रात में ही पहुंचेगा ये हनुमान। जय जय सियाराम। मेरे जीवन के आधार लक्ष्मण, मेरी कामनाओं के चित्र लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, तुम्हारा वो सच्चा प्रेम कहाँ है? सहन संकट किए दुनिया के
मेरे वास्ते तूने चुने हैं भूल ही श्रद्धा के, मेरे वास्ते तूने बता दे आज तू ही सोच कर वो प्यार क्या भूलू, तेरे उपकार है मुझ पर तेरा उपकार क्या भूलू। राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात, कहाँ जा रहे हो बता दो ए भैया, कहाँ जा रहे हो बता दो भैया। तुमरे बिना आज सुना जहाँ है, रातें ये सुनी दिशाएं, रातें ये सुनी दिशाएं मुझे पूछती है लक्ष्मण कहाँ है, मुझे पूछती है लक्ष्मण कहाँ है। नहीं सोच मुझको पिता के मरण का, न वन राग मन का, न सीता हरण का, उठो जाग कर अपने प्रण को निभाओ, अकेला मुझे छोड़ कर यूं न जाओ, कहाँ जा रहे हो बता दो ए भैया, तुमरे बिना सुना जहाँ ये वीरान रातें ये सुनी दिशाएं मुझे पूछती लक्ष्मण कहाँ है। पक्षी बिना पंख, पानी बिना सर, भाई बिना मेरे जीने का क्या, ब्रह्म शक्ति हट दूर मुझ पे आओ, अकेला मुझे छोड़ कर यूं ना जाओ, कहाँ जा रहे हो बता दो ए भैया, तुमरे बिना सुना जहाँ ये वीरान रातें ये सुनी दिशाएं मुझे पूछती है लक्ष्मण कहाँ है,
लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण भाई को मार दिया यदि तो लाख लाख धिक्कार मुझे, ये तो बलिहार हो चुका, अब होना है बलिहार मुझे। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ उसे, आजा मेरे सीने पर, ये छोटा है और मैं बड़ा हूं, अनुचित इसका मरण पहले। हे प्रभु, धीरज धारण करो, हनुमान जी आते ही होंगे, धीरज रखिए प्रभु। हर श्री राम भेटे हनुमान, अधिक तक कब परम सुजाना, तुरत बैठ तब की न उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर शाई। सामने से हनुमान जी प्रेत उठाए ले चले आ रहे हैं। आ गए, आ गए हनुमान जी, आ गए प्रभु। हर श्री राम भेटे हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तब की नी उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर शाई। शांत रहो लक्ष्मण, शांत। बोलो लखनलाल की, श्रीमती रामचंद्र महाराज की, हमारे सुंदर हनुमान की।